हीरो वालों का दिमाग थोड़ा सा ना घुटने में ही रहता है, यहाँ पे वहां से भी फॉर्मेट हो गया। आपको नहीं लगता कि आप गलती करते हो चलाते टाइम, ऐसे क्लच धर लेते हो डायरेक्ट? हाँ तो ब्रेक स्पीड में नहीं धरेंगे, तो स्पीड में आता ना, स्पीड में धर लीजिए। भाई बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत मजेदार, आप प्लीज एंड तक देखना, नहीं तो भाई कसम से बहुत चीज आप मिस कर दोगे। हेलो भाई मैं वंकित, देख लो हीरो मोटोकॉर्प का इंजन, भाई ये बहुत ही पुराना इंजन है, आज भी आपको स्प्लेंडर में मिल रहा है। अभी आज अपने पास बहुत ही तगड़ी तगड़ी सी गाड़ी है, दो दो गाड़ी खड़ी है भाई। ये एक ज़माने में मेरी इतनी फेवरेट हुआ करती थी ना, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने भाई इसको बंद करके मेरा दिल एकदम तोड़ दिया था भाई। लेकिन अब क्या कर सकते, कंपनी वालों का प्रोडक्ट है भाई, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा भाई बहुत ही मन था इस गाड़ी को लेने का, जैसे मेरे बड़े पापा के पास था, मैं सोच रहा था कि उनसे मैं ले लूँ स्प्लेंडर उनको खरीदवा के, लेकिन भाई वो थोड़ा कुछ काम करा दिया आफ्टर मार्केट, तो फिर बेकार सा हो गया, इसीलिए मैं नहीं ले पाया। लेकिन आज भी भाई इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह इतना मेरे को बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है, मतलब पूछो मत, देखना जरा, चलाने में इतना फील आता है ना भाई इसको, पूछो मत। एक तरह से मेरी पहले ड्रीम बाइक हुआ करती थी, लेकिन अब तो भाई ड्रीम बाइक बहुत ही रोनिन है। खैर आप सभी अच्छे जानते हैं, आज अपन जैसे ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, ये 2018 में खरीदा हुआ है भाई। आपका कौन सा साल में? सेम 2018 पहले। हाँ, तो 2018 का दोनों मॉडल है भाई, और जैसे 2018 और अभी 2024 चल रहा है ना भाई, तो लगभग 6 साल हो चुका है दोनों गाड़ियों का, और दोनों गाड़ियों के ऑनर हमारे सामने खड़े हुए हैं। ये सूरज भाई हैं जो ये ऑन करते हैं, और ये हमारे तुषार भाई हैं जो ये ऑन करते हैं। स्वागत है सूरज भाई, कैसे हो? बढ़िया है भाई। स्वागत है तुषार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो ना? एकदम एकदम। कैसा चल रहा है लाइफ? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मजे ले रहे हो? आपका कौन से महीने का है? महीना चेक करना होगा, याद नहीं आ रहा है। तो उनका सितंबर का है? मेरा जुलाई, एक बार बोलिएगा तो चेक करके देखेंगे। नहीं नहीं, मतलब जुलाई जून का है ना? का है। हाँ, तो अगस्त के आसपास। उस टाइम भी आपका दोस्ती था? अरे दोस्ती हम लोग का बहुत पहले से। तो ऐसे मतलब कैसे प्लान बना कि चलो यही ले लेते हैं? मेरे पास एक ही बाइक थी उस टाइम, हीरो होंडा ग्लैमर, बहुत पुरानी हो चुकी थी, चलने में उसका इंजन का काम मांग रहा था। तो अभी एक बाइक का नीड था, मैं कॉलेज में जाता था, पापा गए। हाँ। पापा और भैया गए थे। हाँ। तो ये बाइक आर्मी कैंटीन से खरीदा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम सस्ता पड़ा था मेरे को, ये 53,000 का पड़ा था, और ये ऐसे 65 का आ रहा था साथ में। मैंने 62 का लिया। 62 का ना। तो आपका क्या प्लान था ये लेने का? ऐसे इनको तो पापा खरीदवाती हैं। मेरा प्लान यही था कि घर में जैसे पापा के पास ऐसे स्कूटी था, तो वो बोले थे स्कूटी वगैरह चलाने में उतना मजा नहीं आ रहा, एक बाइक का रिक्वायरमेंट था। तो स्कूटी मैं ले लिया, बाइक पैशन प्रो उन्होंने ले लिया। अच्छा, मतलब कॉलेज अप डाउन रहता था रोज 20 किलोमीटर एक साइड से, माइलेज का नीड था। और उस टाइम ये गाड़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था भाई, स्प्लेंडर जितना ये बिक रहा था, बहुत तगड़ा, थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ, मतलब जैसे वो 1.5 लाख बिक रही थी ना उस टाइम, हाँ 1 लाख ये भी बिक रही थी, इसका डिमांड था। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने बंद करके यार खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है, दोबारा इसी मॉडल इसका। हाँ मॉडल वो नहीं 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 मॉडल यही है, इसी में फ्यूल इंजेक्टर डाल के दिया है। नहीं भाई ये मॉडल नहीं है, बस वो टेल लाइट इसका डिजाइन का है। आप इसी बात पे फोन में सर्च करो पैशन प्लस, नहीं है भाई, मेरे को पता नहीं है इसका डिजाइन, ये नहीं है, नहीं ये डिजाइन दूसरा है। डिजाइन चेंज क्या होगा, इंजन यही है, इंजनवा यही है, डिजाइनवा का ना बोल रहा हूँ। सबसे जो पहले पैशन आता था ना, वो वाला डिजाइन के साथ अब लॉन्च किया है, ये वाला डिजाइन नहीं कंटिन्यू किया है, अलग अलग चेंज किया। हाँ हाँ, बाकी जैसे 6 साल हो गया, दोनों जने बताओ गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गाड़ी तो मेरा तो ज्यादा रफ यूज हुआ है। कितना चला है आपका? मेरा तो 60-65 हज़ार में मीटर बंद था। हाँ हाँ, अभी कितना? 22 से मीटर बंद था, 2400 मीटर सही कर रहा है, ठीक है। हाँ, अभी तो यहाँ पे 57,000 सो रहा है, वो 80,000 प्लस चला है ना। और भाई का देखते हैं, तुषार भाई का, इनका भाई 60 सो रहा है। तो आपका कितना चला है? इसका भी लग है बस, बट मेरा भी वही मीटर 5-7 हज़ार एक साल से। हाँ, एक साल लगभग पहले खराब था, अभी इधर हाल में बनाया हूँ, तो लगभग 68 या 70 आसपास चल गया ना, मतलब ये 70 चला, ये 80 चला है। भाई हीरो मोटोकॉर्प के इंजन को दाद देना पड़ेगा ना, कह सकते हैं। दोनों भाई एसपी भी ऑन करते हैं, एसपी अभी उतना नहीं चला है ना, एसपी उतना नहीं चला है, लेकिन चलेगा फ्यूचर में, एक आठ साल दो साल में 1 लाख चला लोगे आप दोनों ना, वो 1 लाख पार चलाएंगे। एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा, कैसा रहा अभी तक का? ये तो जैसे एसपी में तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, हाँ, इसमें तो मेरे को आज तक कुछ नेगेटिव ही नहीं लगा, ऑल चीज जो है ना, सब चीज बढ़िया है इसमें। हाँ, सबसे मजेदार इसका शॉकर है, शॉक एब्जॉर्बर रहता है। मेरे पापा डायरेक्ट लखनऊ गए,
850 किलोमीटर एक बार में। बाप रे बाप, दो दिन लग गया था जाने में। हाँ मतलब वो भाई एक बार बनारस जगह है 500 किलोमीटर अगले दिन फिर चले 400 किलोमीटर। तो गाड़ी ने धोखा होगा नहीं दिया, 850 किलोमीटर ना, और 100 cc गाड़ी के लिए। और आप अपना कहानी बताओ। मेरा तो सिटी में ही चला है, सबसे लॉन्गेस्ट ये 150 किलोमीटर चला, जमशेदपुर गया था। अच्छा अच्छा, तो एक दिन में जमशेदपुर सब डाउन हुआ, सबसे लॉन्ग वही चला, बाकी सारा सिटी में ही चला। हाँ हाँ, ये माइलेज क्या देती है आप दोनों को, आप बताओ पहले। सिटी में 55-60 दे देगा, और आप? मेरे को आज तक 55 से ऊपर नहीं दिया। 55 से ऊपर नहीं दिया, अब तो कम देगा क्योंकि मोटा टायर है भाई। हां, इनमें 100 सेक्शन डलवा लिए एसपी वाला। मेरा स्टॉक टायर जो लिया था वही आज तक चेंज नहीं हुआ ना। नहीं आज तक चेंज, दोनों भाई 6 साल पुराना टायर है, MRF का टायर है ना, TBS का है, दोनों TBS का है ना। इसमें पहले 3.00 वाला आ रहा था, और उसमें भाई दोनों आपका चेंज हो चुका है ना टायर ना, सीएट का है वो भी, अरे नया सा लग रहा है, ऐसे ही पता चल रहा है कि चेंज हुआ है। आगे चेंज नहीं हुआ, आगे भी चेंज हुआ है भाई, 60,000 पे थोड़ी ना वैसा रहेगा, शायद कब हुआ होगा। और इसका एलॉय भी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस आता है, देख लो आप ध्यान से, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है इसका देखने में। हाँ, स्प्लेंडर से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो फेस है ना भाई, ये मेरे को काफी पसंद था। हालांकि देख लो हीरो मोटो को उस टाइम फ्लेक्सिबल नहीं दिया करते थे, बट मेरा इसका एसपी का इंडिकेटर कुछ सेम सा नहीं लगता है, हल्का सा ब्लर वाला, ब्लर वाला। शायद इसी को देखते हुए होंडा ने बनाया उसको, हो सकता है कि नहीं। आपका इंडिकेटर टूटा है कि नहीं? एक बार टूटा था, बट फेविक्विक से चिपका दिया, तो वो आज तक चल रहा है। और आपका सूरज भाई? टूटा होगा, याद नहीं है। हाँ? क्योंकि गांव में 2-3 साल ये बाइक रही है ना, कह नहीं सकते, रफ यूज हुआ है ना। तो गांव में कौन चलाता था? गांव में भैया जैसे यूज करते थे, चाचा लोग यूज किए हैं। अच्छा अच्छा, खेत में बहुत कुदा है इसको। अच्छा मतलब खेत का सामान ढोने के लिए अच्छा खासा यूज हुआ है ना। बॉडी में कुछ नहीं हुआ भाई, बिल्ड क्वालिटी यार A1 है यार, कैसे कुछ हो जाएगा। और आज भी देखो भाई इंजन एकदम चमकता है। हालांकि आपने सूरज भाई, मैंने सुना इंजन का काम कराया है, गांव वालों ने थोड़ा ज्यादा ही रफ यूज मांग दिया था। हाँ हाँ, जिस वजह से इंजन का काम का नीड आ गया था, बाइक बाइक स्मोक आ गया था। आप अपना बाइक कैसे गांव वालों को दे देते हो? दे दिए थे, कुछ नीड था। अच्छा अच्छा अच्छा, देना तो नहीं चाहता था, लेकिन इतना प्यारा गाड़ी नहीं देना चाहिए किसी को, मैं तो नहीं देता भाई। बात सही है, पर बाइक स्मोक आ गया था, वहाँ के मिस्त्री पे बाहर काम करवा नहीं सकते थे। अब इंजन का काम था तो लॉन्ग राइड रांची भी नहीं लेके आ सकते थे, तो फिर कैसे करवाए? वही शोरूम में करवाए, 4,500 का खर्चा है। अच्छा, क्या क्या चेंज हुआ? पिस्टन वगैरह चेंज हुआ था? हाँ, इंजन में जो काम होता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो टान नहीं ले रहा था या चालू ही नहीं हो रहा था? व्हाइट स्मोक दे रहा था ना। अच्छा अच्छा, व्हाइट स्मोक दे रहा था। मोबिल खत्म हो जा रहा होगा बार बार। मोबिल नहीं, मोबिल तो जब फुल इंजन का काम होता है मोबिल खाता है, मोबिल नहीं खत्म होता, लेकिन हाफ इंजन का काम आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर उसको इग्नोर करते तो फुल का काम आ जाता। फिर वही मोटा खर्चा लगता। अभी जैसे बिहार से इसको चला के लाए हो ना? हाँ, बड़े भैया लेके आए थे कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा यार, मतलब 100 cc गाड़ी को आप इतना दूर चला रहे हो, बहुत बड़ी बात है भाई। आज भी इतना पुराना होने के बावजूद तक लगभग चली है। मेन बात है कंफर्ट इसकी, इतनी कंफर्ट बहुत है। और आप लोग सीट में भी फोम डलवाए हो? सीट में भी अलग से फोम डलवाया है दोनों जने। इसके पीछे क्या कारण है? देखना गिरे मत यार। नहीं गिरेगी नहीं। हाँ हाँ, क्या कारण है सीट में फोम डलवाने का? मेरा स्टैंड का ये सर टूट गया। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं पकड़। गाड़ी में एक इशू है, बताइए ये फोम का क्या कहानी है? बस कंफर्ट बढ़ाने के लिए, थोड़ा पिछवाड़े को थोड़ा रिलैक्स करने। हीरो वाले तो ऐसे ही सीट बढ़िया देते हैं, इसका सीट स्टॉक भी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा हम लोग अलग चाहते थे बस उसी के लिए। चलो बढ़िया है, क्योंकि पापा राइड करते हैं तो उनको थोड़ा कंफर्ट चाहिए। तो अब लेकिन इस गाड़ी का एक बकवास पॉइंट है, ये जो i3s है ना, काम नहीं करता है कभी कभी। काम नहीं करता है ना? कभी-कभी नहीं। आपका? नहीं, मेरा करता है, कभी खराब भी हो जाता है। हाँ, मेरा आशा खराब है। और बाकी ये मिरर तो आप लोग का ढीला नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बड़े पापा का मिरर ढीला हो चुका है, लटक जाता है भाई। ये जब ढीला होता है ना, इतना गंदा लगता है ना। कोई भी मिरर ढीला होगा तो होता है। नहीं नहीं, आपकी एसपी का वैसा नहीं होगा, ये पूरा ही लटक जाता है नीचे। हाँ, फिर ऐसे उठाओगे ना फिर नीचे गिर जाएगा। लटकने का तो नहीं पता, ढीला होता है तो वो भी झीलने ढूलने लगता है, घूमने लगता है। जैसे इससे लॉन्ग ट्रैवल आप किए हो? मैं लॉन्ग ट्रिप तो नहीं किया। नहीं किया? इसका हेडलाइट वगैरह कैसा है? चेंज करवाए, LED लगवाए हैं। आप? मैंने तो लॉन्ग राइड नहीं किया, बट LED इसका, LED नहीं, हेडलाइट इसका फ्यूज हो गया था, तो हैलोजन वाला ही डलवाया। एसपी से कैसा इसका हेडलाइट है? एसपी से ठीक ठाक है, ठीक ठाक हैलोजन है, हैलोजन है तो बेटर है ना। उसमें शॉक में उन्होंने डाल दिया LED, बट ऐसा जैसा कोई खास यूज बनता नहीं है, मजा नहीं आता। हैलोजन इसका सही है, सही है ना। हैलोजन देखो हर गाड़ी का सही होता है। हाँ। जैसे एक बात बताओ, मेरी प्लेटिना का थोड़ा सा थ्रो बेकार हो गया है,
तो मैं उसमें क्या डलवाऊं? आप उसमें 10 वाट का पावर बढ़ा के इंजन का, तो उसमें कौन सा होगा? 35 वाट रहता है, आप 45 डाल दो। क्या कॉस्ट जाएगा? क्या कॉस्ट जाएगा? 100 रुपए उसमें? नहीं, 200-300 बस, 250। बढ़िया कंपनी, मिंडा का नहीं आता है? मिंडा का आता है, मिंडा का डाल दो, मिंडा का 250 पड़ेगा, लोकल वाला 100 रुपए पड़ेगा। यार मिंडा का ही डलवा लूंगा, बहुत उसका गंदा थ्रो आता है। हाँ, तो वो डाल दीजिएगा, वो बढ़िया हो जाएगा फिर। हाँ, बहुत बढ़िया, नया एकदम। अब एलईडी में मान लो डालना चाहूँ तो? नाइट आई का डालिए। वो कितने का पड़ेगा? 1200 का मेरा पड़ा था। देखिए एलईडी में आप महंगा लगाओगे तो ही अच्छा होगा, वही अच्छा है, नहीं तो मत। वो सिर्फ लगाओगे तो सिर्फ वो सामने वाला का आंख चौंधी जाएगा, लेकिन कुछ लाइट नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये यूज किए 45 वाट वाला? बढ़िया थ्रो कर रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा चालू करना है एक बार, एक हेडलाइट जल जाता है ना, देखो भाई उस टाइम एएचओ आ गया था ना जब ये गाड़ी था। हाई बीम करना है? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आँख टिक नहीं रहा। आँख टिक नहीं रहा। बढ़िया है भाई, आप लोग अभी चला रहे हो यार, बेचने का कोई प्लान नहीं है ना? हाँ, प्लान होगा तो मेरे को बोलना, मैं ले लूँगा आपका वाला। बिहार में खोज ले आप तो। ये क्या, इसका इंजन काम करा दो, मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो ले सकता हूँ। नहीं, अभी बेचना ही नहीं है। हाँ चलो, बढ़िया चल रहा है तो क्या बेचना है भाई, है कि नहीं? बाकी ये जो दे रखा है इसका यूज करते हो? ये नीचे देखो चाबी वाला, ये सूरज भाई आप मत बोलना, सीट खोलने के लिए है। और सीट खोलने के लिए और बाकी सामान वगैरह लटकाने के लिए। हाँ, लेकिन हाँ। नहीं यूज किया वहाँ से। आप सूरज भाई, जरूरत नहीं पड़ा कभी, झोला वोला आगे ही टांग लेते हो ना? सारा हैंडल इतना रफ एंड टफ गाड़ी है, मैं 50 केजी इस पे टांगने में एक इशू है। टांग लो ना, गेहूं रख के आटा वाटा पिसवाने चला जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लंबा झोला रहेगा तो जमीन में सटेगा। हां, 25 25 चकवा में भी जाने का डर रहता है, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। सारी गार्ड है लेकिन फिर 20 25 25 केजी हैंडल पे टांग के सामान राशन वगैरह लेके आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसपी से बिल्ड क्वालिटी इसका कैसा है? बहुत बढ़िया, एसपी का तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसका यार, मतलब हर चीज बढ़िया है भाई। हीरो आज भी ना बिल्ड क्वालिटी, होंडा वगैरह का क्वालिटी सब कुछ जो बात है क्लियर है। हाँ, और इसका वजन आप लोगों को ज्यादा लगता है कम लगता है? एसपी से बराबर ही है सर। नहीं, थोड़ा सा एसपी से कम है थोड़ा। हाँ, बट ठीक है, 100 सीसी के अकॉर्डिंग हिसाब से सही है। हाँ, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत। और क्रैश गार्ड देखना कितना बड़ा सा दे रखा है, एक एसपी में देते हैं। जो स्टॉक है कंपनी से जो लगा था वही है। और एसपी में देखो कितना छोटा देते हैं, छोटा देता है। और वो वाला उतना तगड़ा भी, लेकिन ये वाला भी ठीक है भाई, देखना जरा, कुछ नहीं हिलता नहीं है। हाँ, बढ़िया है भाई। बाकी इंजन प्लेट दोनों में लगा हुआ है मैंने देखा। हाँ, इंजन प्लेट लगा हुआ है, स्टॉक ही लगा हुआ है ना। हाँ। यार रस्टिंग वस्टिंग उतना नहीं आया अभी तक ना? नहीं आया, पेंट का क्वालिटी। यहाँ का पानी खारा नहीं है ना? खारा 116 केजी है, एक्सपी 170 है, खारा नहीं है। तो ड्रम वाला लोगों को 116 ही पड़ेगा, वो भी वही बात है। बाकी इसमें से क्या निकल रहा है सूरज भाई? ग्रीसिंग है। अच्छा अच्छा, सर्विस ठीक से नहीं कराए हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं करवाए हैं? यहाँ पे अभी नहीं करवाए, बक्सर का जो हुआ है हुआ है, अभी चल रहा है, चल करवा देंगे थोड़े दिन में। हाँ, और आप साफ भी नहीं रखते, एसपी को खाली साफ रखते हो, इससे तो आपको प्यार ही नहीं है। ये बंद था, यूज नहीं हो रहा था ना। अच्छा अच्छा, जब है तो रखे हो तो यूज करो, थोड़ा बहुत चलाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही शाम शाम में निकालता हूँ कभी कभी। हाँ, आपके पास अभी जाएगा फिर ये। हाँ, फिर गाँव जाएगा। चलो बढ़िया है, बाकी और कुछ इसका बताओ? जैसे तारीफ तो हम लोगों ने बहुत कर दिया, लेकिन कुछ बुराई जैसे स्टैंड का बताए, उनका तो स्टैंड सही है, आपका टूट गया है? वो हीरो में यही स्टैंड जो होता है ये साइड से निकल जाता है, पत्ती उसका निकल जाता है, फिर वेल्डिंग वेल्डिंग कराना पड़ता है, फिर स्टैंड चेंज कराना पड़ता है। और कुछ बुराई? बुराई तो नहीं है, बट एक अच्छाई है कि इसका एसपी से सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा। हाँ, फोल्डेबल है, उतने पुराने जमाने में फोल्डेबल देते थे, इसका क्वालिटी भी सही है। हाँ, ये देखो मैं ऐसा ही ना बोलता हूँ, आप लोग कहते हो कि एसपी में गोल दे दिया। हाँ यार, मजा नहीं, इस पे पैर रखने में मजा आता है, बहुत मजा। और वो तो और भी छोटा है, मैं ही लगवा देता। लग जाएगा? नहीं लगेगा, लेकिन अब मिलता भी नहीं है। स्प्लेंडर में भी गोल देने लग रहे हैं। आप उसमें भी गोल दे रहे हैं, आप देखना एक बार सूरज भाई। ग्लैमर में है लेकिन ये फोल्डेबल है ना यार, ये ऐसा होना चाहिए हर गाड़ी में, पता है गिरने गुरने पे भाई बहुत ही दिक्कत हो जाता है। बाकी और कुछ कमी नहीं है सूरज भाई आपके हिसाब से? ट्राइड एंड ट्रस्टेड ओल्ड होंडा का इंजन है ये। हाँ, तो क्या ही कमी होगी, आप तो होंडा के पीछे ही पड़े। अरे सही में आप सर्च कर लो ना, कौन सी का गाड़ी का है ये? होंडा CRF 90 का इंजन है। अच्छा अच्छा, जिस टाइम जॉइंट वेंचर में था हीरो होंडा। हाँ, ये इंजन पहले सबसे पहले हीरो होंडा CD 100 SS में आया था। तो ये कब लॉन्च हुआ था? CD 100 84 में लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। और उसी टाइम से अभी इंजन आ रहा है ना, इंजन है। और वो इंजन होंडा CRF 90 एक डर्ट बाइक है। हाँ, उसमें माउंटेन बाइक है। हाँ, उसमें यूज होता था, तो वही इंजन होंडा ने इसमें डाल दिया। हीरो ने बस अभी तक इसको यूज कर इंजन के मामले फ्यूल इंजेक्शन करके इंजन के मामले में ये लेटा इंजन है आपका अभी तक वो नहीं हुआ है?
इंजन का कुछ काम? कुछ काम नहीं। तो ऐसा क्यों, क्या आप खास करते हो? सिंगल राइड यूज हुआ है ना, रफ यूज नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, सिंगल हैंड फादर यूज किए ने तो फिर हम ही यूज किए। कितना में आप सर्विस करा देते हो? हम हर 2000 या 2500 में करा देते भाई, यही मेन चीज है, यही में। आप सूरज भाई? मेरा कुछ लापरवाही गांव में हुआ है। गांव में हुआ है ना, आप यहां पे रहते तो नहीं करते? मैं तो इसको आज भी नया ही रहता हूं, इथेनॉल भी सेमी सिंथेटिक यूज करता हूं इसमें। अभी भी? अभी भी। भाई क्या बात है, बताओ यार, ये सस्ती गाड़ी में सेमी सिंथेटिक मोटुल का 5100। और आप सूरज भाई? इस बार 7100 डाले हैं जो आपका प्लैटिना में। अच्छा, वही वाला। और डालने के बाद मजा आ रहा है? अरे वाइब्रेशन वगैरह है कि नहीं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। हल्का फुल्का, हाँ पुराना हो गया ना, वाइब्रेशन है नहीं है ना, हाथों रखिए ना इस पे। हाँ, सीट पे है। हाँ, सीट पे है। कहाँ उतना है, इधर तो गाड़ी में रहता ही है, चलता है, तो है। ठीक है, लेकिन इंजन सही है, इंजन सही है ना, इंजन में इशू नहीं है। और ये मीटर वीटर आज भी है, देखो ऐसे उठता बड़ी बढ़िया लगता है। ये वाला मीटर मेरे को बढ़िया लगता है, आज जो पैशन प्लस में देना है ना, वो बड़ा बकवास लगता है। सेम नहीं है, ये जो इन्होंने ग्रीन का टच दिया है ना, और आप बोल रहे थे ना इकोनॉमी मोड, देखो 40 तक दे रखा है ना, 50 तक, हाँ 50 तक दे रखा है ना। मेरी प्लैटिना में भी जस्ट ऐसा ही है, लेकिन एसपी में 60 तक दे रखा है, लेकिन इसमें 50 तक दे रखा है, 30 से 50 ही इकोनॉमी रहता है। उस टाइम भी साइड स्टैंड इंडिकेटर देता था, आज से नहीं 2015 से। हाँ, ये न्यूट्रल हो गया। और बाकी इसमें कट ऑफ सेंसर नहीं है। हाँ, बस लेकिन बस दिखता है कि हाँ। और ये लोग 100 सीसी सेगमेंट में ऐसा मीटर पहली बार दे रहे थे शायद। डिस्कवर में भी ये ऐसा नहीं आया है, डिस्कवर 125 में आया है। हाँ। और होंडा 100 सीसी में कौन सा गाड़ी में देता था ऐसा मीटर? होंडा का तो 100 सीसी गाड़ी ही नहीं था उसमें, तो धानी सिटी वुडी नहीं, फ्यूल में वो तो 110 था ना, फ्यूल हाँ, में भी वुडी, हाँ, सब 110 था, वो एनालॉग वाला ही देते थे। हाँ हाँ, ये जैसे एसपी वालों ने इंट्रोड्यूस करा ना, सेम वैसा ही ये लोग पहले करते थे। इसमें आपका वही ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और सर्विस रिमाइंडर, और यहाँ पे ऐसे बटन था। और ये बटन भाई थोड़ा देख लो, ये देखो आवाज भी कर रहा है, कितना बढ़िया क्लिक अच्छे से हो रहा है। इंडिकेटर वगैरह काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है। और इधर का चलाओ तो भाई साहब मजेदार है यार एकदम। ओहो हो, हॉर्न का बताओ ना थोड़ा कहानी, मैं बड़ा सुना भाई, हॉर्न अच्छा लग रहा है। हॉर्न इसमें एक स्टॉक हॉर्न है एक स्टॉक हॉर्न है इसमें और एक एसपी वाला जो हॉर्न था वो इसमें कनेक्ट करा दिया, बस बस हो गया ना। और दोनों का ट्यून करा दिया थोड़ा, साइड हटा तो हॉर्न चोरी करेंगे तुम्हारा। ट्यून करवा, बढ़िया लग रही है। स्टॉक वाला है, कौन सा स्टॉक वाला है? तो बड़ा वाला होगा वो स्टॉक वाला। हाँ, और ये एसपी वाला है ना, देखो कितना छोटा एसपी में देता है। हाँ, और फिर भी भाई इतना इनकी गाड़ी बिकती है। हाँ हाँ, जो मैं रेड वाला एसपी लिया था ना, हाँ, उसका हॉर्न का साइज बड़ा था। हाँ, अभी हॉर्न का साइज छोटा कर दिया। बताओ यार, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग। अच्छा सूरज भाई एक और बात बताओ, मेरे मन में बहुत दिन से क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ पूछूंगा। ऐसे बैठो मेरे जैसा, ये जो सिस्टम है ये आज की गाड़ी में क्यों नहीं आ रहा है आखिर? फ्यूल इंजेक्शन में कोई यूज ही नहीं है ना इसका। यूज नहीं है तो देना मतलब क्या चाहते तो दे सकते कि नहीं? देखिए आप कॉस्टिंग बढ़ा दीजिएगा इसका, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगी जब उसका किसी चीज का यूज ही नहीं, देखे क्या फायदा है? मतलब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? चाहे तो, चाहे तो इंजीनियर तो दे सकता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं। आप आखिर एट द एंड कस्टमर ही उसका पैसा पे करेगा, तो रिजर्व वगैरह नहीं होगा? रिजर्व फ्यूल इंजेक्शन में रिजर्व का सिस्टम नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता ना यार, बड़ा मैं ये चीज मिस करता हूँ। फ्यूल इंजेक्शन आपका पेट्रोल स्प्रे करता है ना, हाँ हाँ, ये जमा करता है पेट्रोल, ठीक है, हाँ, ये आप चाबी ऑन करते हूं करके आवाज आता है, इसमें कहाँ वैसा सिस्टम है? नहीं इसमें नहीं है। तो फिर उसका क्या? और इसमें आप एक्सेलेरेटर का वो अपने से सेट भी कर सकते हो? हाँ, इसमें माइलेज आप सेट कर सकते हो। हाँ हाँ, फ्यूल इंजेक्शन में माइलेज सेट कुछ नहीं ना। और जैसे मैं आपको वही कर सकते हो मेंटेन के लिए। फ्यूल इंजेक्शन में मैं किसी किसी गाड़ी में देखा हूँ कि हाई आरपीएम हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? ऑटो चॉक होता है स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, एसपी का भी होता है स्टार्टिंग में, नहीं कभी चलते चलते भी ले लेता है, ऐसा क्यों? उसका वही थ्रॉटल बॉडी में बहुत कचरा घुस मेरे साथ ही हुआ था एसपी में। एक पता, एक बंदा था, मैं अंबिकापुर में रहता था, उसके अपाची 164 भी में ये सीन था, तो सर्विस सेंटर में ले गया ना, तो वो लोग बोल रहे ना कि ये ऑटोमेटिक है, ऐसा ही करेगा। टीवीएस में अपाची का 2B मॉडल ज्यादा सही था, 4B वाला उतना सक्सेस नहीं है ना, लेकिन 4B ही ज्यादा, लेकिन उसके वही रहा है लुक है, ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके टोटल बॉडी में कचरा होगा ना, टोटल बॉडी में कचरा उसका ज्यादा नहीं, 5-6 हजार के समथिंग चला हुआ था, तो वो किलोमीटर पे डिपेंड नहीं करता, वो ज्यादा रफ एरिया में चलाया होगा, धूल डस्ट वाले एरिया में चला हुआ तो कचरा होगा, तो उसमें कचरा कैसे जाएगा? वो जाता है, वो एयर से जाता है ना। अच्छा अच्छा, नहीं तो पेट्रोल में कचरा BS6 में देखते हैं कितना सारा फिल्टर दिया है, ऑयल फिल्टर है, पेट्रोल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, इसमें कहाँ है स्क्रीन फिल्टर? इसमें बस दो फिल्टर था, एयर फिल्टर था और एक इंजन में स्क्रीन फिल्टर लगता है, बस दो ही फिल्टर है आज तक, सिर्फ एयर इसमें फिल्टर ही चेंज हुआ, एयर फिल्टर कुछ स्क्रीन फिल्टर। बताओ आपका इंजन खुला ही नहीं है ना? कुछ नहीं आपका, बताओ
बताओ यार, इंजन खुल गया यार, तो सूरज भाई, अब आदमी सही नहीं रहेगा तो खुल जाता है वो भी गांव वाले पेट्रोल, भी गांव वाले ना आपके हाथ में रहता तो कुछ नहीं होता, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं होता भाई, आप तो तगड़ा अपने गाड़ी को रखते हो एकदम। मान लो सूरज भाई आज के रेट में ये गाड़ी मिल रहा है सेकंड हैंड, तो कितने तक लेने का आप वो रखते हो, मतलब बताते हो, किसी को सजेशन देते हो? अगर सब कुछ सही कंडीशन है, जैसे हमारी कंडीशन है, हाँ। ठीक है, इंजन का अगर काम भी हो रखा है, तरीके से काम हो रखा है, हाँ, हाँ। कोई इशू नहीं है, मेरे को शायद ही मिलेगा बढ़िया इंजन वाला, 25,000 में, क्योंकि 60 में तो आती ही थी, 60 में तो आती, 60-62 में तो आती, और आज भी 30 मिल जाएगा बहुत बड़ी बात है, इसका रीसेल वैल्यू है। जैसे मेरा साइन पापा पता कितने का लिए थे, 65,000 का, और बेचा हमने 43,000 का, हाँ 3 साल बाद, अच्छा मिला लगे, 3 साल बाद इंजन चीज करके 43,500 में बेचे थे, बेचना नहीं चाहिए, आपको बेचना नहीं, अब क्या करे यार, इंजन उसके पसंद नहीं था, से अच्छा हमको उसका शाइन का इंजन था ना, तो वो भी BS4 मॉडल था आपका, कोई थेथर गाड़ी था ना, इन करते यार बेथी लिखा लगा था, एक और SPO में वो हाल भाई, एक और में ये हाल भाई, लड़ता है ये, और पता नहीं कब लगाया था, कहीं लगा होगा याद नहीं है। आपका एक जोश नोट सुना नहीं मैं, एक बार लगाइए ना, एक किक मारिए ना, एक बार वाह, एक किक में स्टार्ट में तो जो हो जाएगा, नहीं नहीं रुकिए, ये इसमें वो लीजिए, चौक लो, चौक लीजिए, बहुत दिन हो गए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इसका चौक है, रुकिए रुकिए, चलिए ऑन है, बहुत दिन से बंद पड़ा है ना, पेट्रोल नहीं है क्या? हाँ हाँ, देखो चौक छोड़ दिया, आपका भी ठीक है, राउंड नया है, काम हो गया तो, लेकिन आप थोड़ा सा चलाकी किए हैं, अगर दूसरा कोई रहता ना तो आफ्टर मार्केट करवा लेता काम इंजन में, हम जान रहे हैं, लेकिन आप नहीं करवाएं बहुत बढ़िया बात। अच्छा एक और बात बताऊं, नहीं करवाए क्योंकि वहाँ का मैकेनिक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिहार में बहुत चापलूसी होता है, आप बोलते हो ना कि आफ्टर मार्केट करवाया करो अंकित भाई, मैं इसीलिए नहीं करवाता, हम रहते नहीं है तो किस पे ट्रस्ट करें, वही बात है ना, रहते अगर तो, आपका जान पहचान में जान पहचान सही रहता हाँ। हो। अब यहाँ पे तो हम इंजन पहली बार सीज ही नहीं होने देते हाँ। और हो भी जाता तो हमारे मैकेनिक है वो बढ़िया काम करता। अच्छा जैसे एक और बात बताओ, मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था भाई मैं भूल भी गया, याद आया सूरज भाई, छोड़ो ना उसको मत चालू करो, बाद में ले जाते समय चालू करेंगे। जैसे एक बात बताओ, मेरे बड़े पापा के पास ये सेम गाड़ी है, तो वो आफ्टर मार्केट क्लच प्लेट डलवाए हाँ। और जिस दिन से वो डलवाए हाँ। उस दिन से उसका आवाज चेंज हो गया, लोकल क्लच प्लेट डला, लोकल क्लच प्लेट डला ना, तो लोकल में और ब्रांडेड में अंतर क्या होता है, कितना घी और रिफाइंड तेल में अंतर नहीं है? अच्छा इतना अंतर हो जाता है, इतना अंतर हो जाता है ना, अंतर है तो लोकल वाला इतना ऐसा क्यों देते हैं? चुपचाप जाके चेंज करवा लो, या फिर वहां से ले आओ और आप लगवा लो यहाँ पे भले ही, वो बढ़िया रहेगा, बेटर है हाँ। तो जैसे डिफरेंस कितना रहता है ये मेरे को जानना है, डिफरेंस बहुत रहता है, मतलब फिर भी सर्विस सेंटर वाला क्लच प्लेट कितने का मिलेगा मिनिमम? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अंतर रहेगा, दो चीज आप लगवा सकते हो हाँ, या तो आप FCC का क्लच प्लेट लगवा लो हाँ, क्योंकि FCC हीरो को प्रोवाइड करता है क्लच हाँ, प्लेट हाँ, ठीक है, वो भी जेन्युइन वेंडर है हाँ, या फिर आप हीरो को ओरिजिनल डलवा लो हाँ, यही दो ऑप्शन है, बाकी जो थर्ड क्लास में MK जो लगाया होगा वो इंजन खराब कर रहे हैं भाई, उसका इंजन यार इतना गंदा आवाज करता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है, 1,000 रुपए में सब हो जाएगा, अब बताओ 4-500 में करवाई लो, 4-500 में कराया होगा, और क्लच प्लेट ऐसा चीज है ना, क्लच प्लेट जब चेंज होगा तो इंजन ऑयल भी चेंज होगा, जब से वो चेंज कराया ना उस दिन से मेरा दिल उतर गया उस गाड़ी से, चुपचाप से हीरो का ओरिजिनल क्लच प्लेट लो, पूरा असेंबली चेंज कर दो सबसे बेस्ट रहेगा, सही तो इंजन में उनका वो कुछ चलते खराब हो तो होगा ही ले, इंजन बैठ गया हाँ, इंजन बैठ गया, हाफ कामो करवा लिए हैं, तब क्लच प्लेट के चलते उनका इंजन बैठा, उनको समझ नहीं, मैं समझाया था उनको, उसे उतना नॉलेज नहीं था लेकिन फिर भी बोला था, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पैशन प्रो था पहले वाला, इससे पहले वाला आपको याद आया? याद है, वो दहेज मॉडल मिला है मेरे को, हाँ हाँ, पीछे का टेल लैंप थोड़ा लंबा निकला, हाँ हाँ हाँ, प्लस जो चोक चोक सा था ना, वही उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था कि पापा क्लच प्लेट बदलवा दिए थे बाहर, और उसी टाइम से मैं समझ गया कि क्लच प्लेट का जो कहानी होता है ना, ये भाई बिगड़ जाता है आफ्टर मार्केट करवाने, अब वो गाड़ी बिगड़ता आप तरीके से करवाइए, अरे हाँ लेकिन उतना नॉलेज ना रहे, और डीए माल डलवा ले रहा है ना, वहाँ पे ओरिजिनल नहीं रखता है भाई, सबको सस्ता चाहिए हाँ, सबको सस्ता चाहिए, और वो डलवाए जब से ना उस गाड़ी से भी मेरा दिल उतर गया, आप एक काम करना हाँ, इंजन का काम हो चुका है उसका, अब बेचा गिलू गाड़ी, वो मोहल्ले में एक दुकान वाला लिया है मोबाइल वाला, अभी भी चला 2178 उसका नंबर था, तब छोड़िए तब क्या, ब्लू कलर का था, बहुत मजेदार गाड़ी था, नहीं मैं उसी टाइम से जान गया क्लच प्लेट आफ्टर मार्केट नहीं, आपका कोई व्यूअर देख रहा होगा हाँ हाँ, तो या तो अगर कोई भी कंपनी है ना, कोई व्यूअर तो बहुत सारे व्यूअर देखेंगे,
हीरो में FCC देता है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी में FCC एक जापानीज कंपनी है क्लच प्लेट के मामले, वो सारा कंपनी को अपना क्लच प्लेट प्रोवाइड करता है, कंपनी उसमें अलग से कुछ फिनिशिंग करता है, थोड़ा सा और उसको बेटर करता है। ये ज्ञान पता है हीरो वालों के लिए जो हीरो ऑन करते हैं? हीरो के लिए भी है, बहुत कंपनी के लिए भी है। अच्छा एक और बात, FCC क्लच प्लेट बहुत कंपनी बजाज के लिए जाता है, पुराने स्प्लेंडर या पैशन ऑन करते हो आप FCC का डाल रहे हो ना, आप ओरिजिनल ही डाल रहे हो, FCC का दो नंबर नहीं आता है, FCC का दो नंबर नहीं आता। अच्छा जैसे एक और बात बताओ, जैसे मेरी प्लेटिना है, 3 साल 3.5 साल होने वाला है, आज तक उसका क्लच प्लेट नहीं जला। हाँ तो आप अच्छे से यूज किया तो जरूरत नहीं। आपका कैसे जल जाता है? मेरा जलने का बहुत कारण है। आपका कैसे जल जाता है? मेरा एक बार भी नहीं जला। हाँ उनका नहीं जला है। आपका कैसे? बड़े भैया रफ गाड़ी चलाते हैं। आप नहीं चलाते हो? मैं कल देखा तो नहीं, मेरा नहीं। अच्छा जैसे आप मतलब आपको नहीं लगता कि आप गलती करते हो चलाते टाइम, ऐसे क्लच धर लेते हो डायरेक्ट? हाँ तो ब्रेक स्पीड में नहीं धरेंगे, स्पीड में आता ना, स्पीड में धर लीजिएगा फिर गाड़ी बंद हो जाएगा, कैसे नहीं कीजिएगा? नहीं यार फिर भी कंट्रोल हो सकता है, दबाना ही पड़ेगा, इतना दबा दीजिए 80 के स्पीड में ऐसे डायरेक्ट दबा दीजिएगा, दबाना जोर नहीं पड़ेगा क्लच प्लेट नहीं, पे इसमें जोर तो कहाँ पड़े, तो आप एक तरह से इंजन आप स्टॉप कर दिए क्लच दबा के। मेरे को लगता है कि जोर पड़ता है, नहीं पड़ता है, मैं ऐसे कभी नहीं यूज किया, नहीं पड़ता, क्लच प्लेट बता रहे आप इतना दबा रहे ना, हाँ तब चलेगा, यहीं से जलना काम चालू। भाई आपको ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसे जब हाई स्पीड में दबाओगे ना तब जलता है, स्टॉप हो जाता है एक तरह से। अच्छा आवाज आप देखिएगा ना, ऐसे कर दीजिएगा बंद हो जाता है। और क्या है ना कि यूजर टू यूजर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं और मेरे पापा चलाए हैं, वो किसी और को देते हैं, इतना मेरे को गुस्सा आता है ना, मैं किसी और को गाड़ी अपने देता ही नहीं। मेरे बड़े पापा का लड़का मांगता है, उसका फ्यूल पंप खराब कर दिया पचिया का जो दहेज में मिला था। गाड़ी और गर्लफ्रेंड दूसरों को नहीं देना चाहिए। वो जो पचिया दहेज में मिला था उसका फ्यूल पंप खराब कर दिया पेट्रोल खत्म कर करके। अपना गाड़ी और गर्लफ्रेंड अपने पास ही रखना चाहिए। गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं है भाई, लेकिन गाड़ी का मेरे को पता है। मैं गाड़ी से बहुत ही मतलब यहाँ पे रखता हूँ अपने गाड़ी को, हाँ एकदम दिल में। गाड़ी पहले बाकी सब चीज बाद में, गर्लफ्रेंड फर्लफ्रेंड तो भाई तुम्हारा भी वहाँ हमारा भी कहाँ वहाँ, हम ही सब सोची ना। चलो जी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया इस वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ बताइए ना, मैं जब से लिया हूँ तब से बस सिर्फ 6 महीने पहले इसका बैटरी चेंज कराया और अभी तक बढ़िया था, अभी तक 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की बैटरी हुई ना इसमें, ना 3 एम्पीयर हुई, एक साइड की बैटरी था, चार नहीं हुआ, अमेज़न का लगवाए हैं। हाँ हाँ हाँ, बाकी 6 महीने पहले अभी चेंज कराया, बाकी हाँ। उसके पहले कोई दिक्कत नहीं था। बताओ मेरा बैटरी जवाब दे, आपका रफ यूज नहीं हुआ? रफ यूज नहीं, एकदम नॉर्मल यूज हुआ है। इनके पापा चलाते हैं। अरे भैया मैं बता रहा हूँ ना, ये गाड़ी इतना बढ़िया है ना, आप लोग बेचना मत बस। नहीं नहीं अभी बेचेंगे, मैं अगला बार आऊंगा तो फिर एक बार इसको चलाऊंगा। नहीं नहीं बेचना नहीं है इसको। बहुत मजेदार गाड़ी है यार, इतना मजेदार गाड़ी है मैं क्या बताऊँ, बहुत मजेदार गाड़ी है। बाकी i3s वगैरह तो फालतू आज भी देते हैं, बहुत बार खराब, तो निकालना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं किस इंजन किल स्विच दे देते हैं। इससे कॉस्ट, अच्छा इससे कॉस्ट इंजन किल स्विच का कम पड़ेगा कि नहीं? बराबर है पड़ेगा, कम क्या है? पड़ेगा बराबर है पड़ता है। इंजन किल स्विच में एक वायरिंग लगा देना है लगता, और इसमें बहुत चीज करना पड़ता होगा, क्लच में भी तार जाता होगा, सेंसर वगैरह। हाँ हीरो वालों का दिमाग थोड़ा सा ना घुटने में ही रहता है, यहाँ पे वहां से भी फॉर्मेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपने इतना कुछ शेयर करा हमको और हमारे ऑडियंस को, बहुत लोगों को सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, है कि नहीं? जो पता है जो गाड़ी लवर होगा ना, मतलब बाइक लवर होगा, इस वीडियो को एंड तक देखा होगा, और जो भाई ऐसे देख के हेटर टाइप के होते हैं वो 1 मिनट में ही चले जाते हैं, मजा सा नहीं आता, उन्हीं के चलते तो रीच खत्म हो जाता है वीडियो का। चलो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।